हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड से किस तरह पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको जैसे पता होगा कि क्रेडिट कार्ड से हम जब भी विड्रॉ करते हैं कैश, तो उस पर हमको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से क्रेडिट कार्ड से हम अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कैश जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं और फिर बाद में आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जियो मनी, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। फिर वहाँ से आप इसमें ऐड मनी का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप ऐड मनी कीजिए, फिर वहाँ पर आप अमाउंट डालिए, फिर आप बाद में उसमें आप ऐड सिक्योरली करके अपने क्रेडिट कार्ड से आप उसमें पैसे डाल दीजिए, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी उसमें अभी अमाउंट डाला हुआ है, तो मुझे उसमें अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डाल सकते हैं। बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन है मेन स्क्रीन पे कि मनी ट्रांसफ़र। अब आप मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, सेंड, रिक्वेस्ट एंड बैंक। सेंड में आप किसी भी मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट अमाउंट डाल के आप डायरेक्ट किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी बैंक्स आएंगी, ये लिस्ट ऑफ बैंक्स है। सपोज़ मैं यहाँ पर डालता हूँ HDFC, तो ये HDFC बैंक आया। IFSC कोड मुझे नहीं पता है तो मुझे सर्च करना होगा, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ मुंबई, और फिर मुझे ब्रांच सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला ब्रांच, सेलेक्ट IFSC कोड, तो यहाँ पर IFSC कोड आ गया है। यहाँ पर आप नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर बाद में जो अमाउंट है जो आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डालेंगे और फिर प्रोसीड कर देंगे, तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, जो कि आपने क्रेडिट कार्ड से अपने जियो मनी में ट्रांसफ़र किया था। ये फीचर किसी भी मनी एप्लीकेशंस में नहीं है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। आप बेवजह बैंक को चार्जेस ना पे करें। अगर आपको कभी भी ऐसी इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत होती है तो आप प्लीज़ ऐसी एप्लीकेशन से इस्तेमाल करें जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सकें। और अगर आपको कोई टेम्प्ररी नीड है तो आप, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी 40 दिन का 30 दिन का जो समय देती है, उसी समय के भीतर आप वापस वो अमाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि आपका काम रुके नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आगे आने वाले टाइम में और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।